Happy International Women's Day. I'm Vandana from Shri News, और मैं अपने जम्मू के लिए मैं सुनीता कोल अरोड़ा। वैसे पेशे से तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ जिसका मुझे बहुत गर्व है। और इस वक्त प्रेजेंट जो है मैं एकजुट जम्मू महिला विंग की प्रधान हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है आईएसएम मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ और आयुर्वेद ही मेरी पहचान है और हमारे भारत की ये चिकित्सा पद्धति है। हम उसी को आगे लाने में अपने देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथ उनकी गाइडेंस में हम इस चिकित्सा पद्धति को आगे ला रहे हैं और अपनी तरफ से सेवा कर रहे हैं जैसे हमें जो जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और आयुर्वेद के लिए हम काम कर रहे हैं। एंड आई एम डॉक्टर हरप्रीत एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल डे। हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम कमला शर्मा है। मैं होमगार्ड की स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ और सोशल एक्टिविटीज भी हूँ जो कल की सोच के लिए हमने नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई और सबको हैप्पी वुमेन डे पे और खासकर हमारी डीएसपी मैम आया है इनको भी हैप्पी वुमेन डे पे। सबको मित्रों से My name is Pooja Kapoor. I'm president to Residency Road Traders Association. I'm currently heading CAT Women Wing as convener, Jammu, Kashmir and Ladakh chapter. I joined my business because I lost my father very young. मेरे father जो है वो around 54 years के थे when I lost him, and there was nobody to look after the business because I did not have a brother. But over these 20 years, मैंने जो society में change देखा है, change in the male chauvinism and in the mentality of men and the society, that is really commendable. And I request every woman to stand for their rights. Thank you. सबसे पहले ट्रेडर्स फेडरेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम कि जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम रखा। सबसे पहले दीपक सर और इनकी टीम का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। एक चार शब्द तो होंगी जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी है बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए। तोड़ के हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी मैं, लाख बिछालो बंदिशें फिर भी आसमान में जगह बनाऊंगी मैं। हालात से जो हारे ऐसी नहीं लाचारी हुई है, हालात से जो हारे ऐसी नहीं लाचारी हुई है, गर्व है मुझे नारी हुई है, नारी हुई है। रश्मि शर्मा जर्नलिस्ट नारी शिक्षा। हमारी स्पेशल महिलाएं जिन्होंने फील्ड में बहुत स्पेशल काम किया है। वैसे तो महिलाएं जो भी हैं चाहे घर में हैं चाहे बाहर हैं जो भी काम करती हैं तो मुझे लगता है घर का काम भी उतना ही स्पेशल और उतना ही हार्ड और उतना ही मुश्किल पेशेंस वाला होता है जितना बाहर होता है। ये बात अलग है कि मौका बड़ा कम लोगों को मिलता है आगे आने का। मेडिकल्स हैं, मेरे ताया जी चीफ ऑफ द आर्मी थे, ऐसी बैकग्राउंड से हूँ मैं। एक डीएसपी थी यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में, तो काम करने का बड़ा शौक था। और इस वक्त तक बाकी तो हूँ जिस समय लाल चौक के अंदर कोई जाना भी नहीं चाहता था, चंडीगढ़ के अंदर कोई रहना भी नहीं चाहता था। ये ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने खुद अकेले वहाँ लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराया और पूरे भारत देश का नाम रोशन किया और महिलाओं का खासकर नाम रोशन किया। मैं सख्त सख्त इस नारी को सम्मान देता हूँ और कहूँगा कि दो शब्द जो है आज अंतर्राष्ट्रीय वुमन सम्मेलन के ऊपर वो कहें। सबसे पहले यहाँ बैठी सभी माताओं बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मुबारकबाद दी। मेरा सपोर्ट नहीं करते, शायद वो संभव नहीं होता। मेरे हस्बैंड
मिस्टर राजकुमार अरोड़ा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं बुरहान वानी की बरसी पर श्रीनगर पहुंचकर लाल चौक पर तिरंगा लहरा सकी। मैं अपने जिन्होंने अपनी सेवाएं देते हुए महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। मैम शिशिका कहा कि बड़ी अच्छी पत्रकारिता करते हैं, पर सबसे पहले मैं श्रेय दूंगी अपने साथ जितने भी हमारे भाई बंधु हमारे साथी जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, जितना योगदान हमारा खबरें बनाने में रहता है उनका योगदान रहता है उन वीडियोस को बनाना और किस तरह से कहां पर वो वीडियो चलानी है बराबर की हमारे साथ श्री का उनका भी धन्यवाद करता हूं। तिरंगा झंडा फहराया था प्रधान जी और मैम उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मुझे खुशी है और हमारा कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ इस बात के लिए कि आप ऐसा करो या नहीं करो। हमने बोला है जो सच्चा वो दिखाओ। कल की
हरे राधा कृष्ण।